अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़र हैं और वो है सीआरटी टीवी के बारे में कि अगर आपकी ट्यूनिंग जो है वो ना हो रही हो और अगर आपकी ट्यूनिंग हो रही हो लेकिन आपके चैनल जो है वो स्टोर ना हो रहे हो और ऐसे पता लगता हो कि आपका जो है ये सिंक जो है हॉरिजॉन्टल सिंक की इस तरह का जो है सामने वो नज़र आ रहा हो तो आपने उसको किस तरह ठीक करना है, खुसूसन जो हमारे हायर टीवी हैं उनके बारे में और जितने भी आपके टीवी हैं चाइना केट है या आपका नोबल है एलजी है तो ये बेसिक जो है वो सबका एक ही होता है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको किस किस्म का मसला दरपेश हो तो आपने उसको किस तरह हल करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर नाज़रीन हमारे पास ये एक हायर टीवी आपकी नज़रों के सामने और अभी मैंने इसको ट्यूनिंग पे लगाया हुआ है और ये आपकी नज़रों के सामने ये कोई इस किस्म की सूरत हाल है। कुछ देर बाद जो है कोई चैनल आता है लेकिन वो स्टोर नहीं हो रहा और ये बिल्कुल जो है सेम इसी पोजीशन पे आपकी नज़रों के सामने आप देख सकते हैं इसको। तो नाज़रीन आपने इसको किस तरह क्लियर करना है, किस तरह ठीक करना है। ये फॉल्ट जो है ये आपकी मेन आई सी का है, ये फॉल्ट आपके चैनल का है या के वोल्टेज जो हैं वो पूरे जो है यहाँ पे नहीं जा रहे किसी जगह पे, तो ये क्या सिचुएशन है। तो ये सारा कुछ नाज़रीन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन यहाँ पर ये आप देख लें एक डाटा चैनल है, इसके ये ए जी सी के वोल्टेज हैं पहली पेन पर, उसके बाद नाज़रीन ये बैंड के वोल्टेज हैं आगे और उसके बाद ये हमारे चैनल वोल्टेज हैं जो 5 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। तो ये हमारे बिल्कुल क्लियर हैं और आईएफ जो है वो भी यहाँ पे वीडियो जो है वो बिल्कुल बना रही है, रास्टर हमारा ओके है। तो ये क्या तरीका है, तो सबसे पहले नाज़रीन हम इसके जितने भी वोल्टेज हैं हमारे पीसीबी के उनको हम यहाँ पे टेली करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन ये 110 वोल्ट है, ये 25 वोल्ट है नाज़रीन जो वर्टिकल के हैं और उसके बाद आपकी नज़रों के सामने यहाँ पे ये हमारे वोल्टेज यहाँ पे ये 110 वोल्ट हैं और ये आप देख लें 110 11 वोल्टेज ये भी हमारे ओके हैं और उसके बाद 110 से नाज़रीन ये 33 वोल्ट हैं हमारे। ये नाज़रीन वो वोल्टेज हैं जो वी टी वोल्ट हैं यहाँ पे और ये वोल्टेज अगर यहाँ पे चैनल तक ना पहुँच रहे हो तो ये प्रॉब्लम जो है ये होता है जिस तरह का अभी जो है आपकी नज़रों के सामने ये फॉल्ट आया है। तो इस लाइन को हम ट्रेस करेंगे और इस लाइन को ट्रेस करते हुए सीधा जो है ये नाज़रीन चैनल तक जाएगी। तो यहाँ पे देख लें ये हमारे वोल्टेज जो हैं यहाँ तक पहुँच चुके हैं और उसके आगे नाज़रीन एक फिजिबिलिटी लगी हुई है वी टी पे, ये आप देख लें यहाँ पे चैनल तक ये और ये, तो ये एक 1 ओम की रेजिस्टेंस है नाज़रीन या 0.1 की। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप बेहतर यही है कि आप इस रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पर लगा दें ताकि किसी शॉर्टेज की सूरत में हमारी रेजिस्टेंस जो है ये ख़राब हो जाए और हमारी आईसी या हमारे चैनल को नुकसान जो है वो ना हो। तो नाज़रीन इसको हम जो है यहाँ पे रिप्लेस करेंगे लगाएंगे तो इसकी जगह जो है एक 0.1 ओम वो हम लगाएंगे और फिर जो है नाज़रीन इसको ऑन करके मैं आपको बताऊँगा कि हमारा ये प्रॉब्लम जो है ये हल होता है या नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए हम ये फॉल्ट जो है कोशिश करते हैं कि हम फॉल्ट जो है वो 100% आप तक पहुंचाएं और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी जो है वो ना हो। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें और जितने भी न्यू टेक्नीशियन हैं खुसूसन जो अभी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं वो हमारी वीडियो से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस किस्म का कोई फॉल्ट अगर आपके पास आया हो और आप इस फॉल्ट को ट्रेस करना चाहते हो
तो नाज़रीन ये सिंपल जो है हमारी वीडियो को देख के आप अपने फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03453958708। तो नाज़रीन उस पे हमसे रابطہ आप कर सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन ये मैंने एक रेजिस्टेंस जो है वो लगा दी है और उसके बाद ये वोल्टेज हमारे, ये अभी मैं आपको चेक करवाऊँगा कि हमारे वोल्टेज जो है वहाँ पे चैनल तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। तो ये 33 वोल्ट हैं, ये 33 वोल्ट और ये 33 VT के वोल्ट, ये थे VT के वोल्ट नाज़रीन यहाँ पे हमारे स्पिन तक पहुँच चुके हैं। और अब मैं इसको लगा के इसकी ट्यूनिंग करूँगा कि आया कि हमारी ट्यूनिंग स्टोर होती हैं हमारे चैनल या नहीं। तो यहाँ पे ऑटो मेमोरी यहाँ पे ले आए और उसके बाद नाज़रीन ये देख लें, ये हमारे चैनल यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो गए हैं। तो आपने नाज़रीन सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो वोल्टेज का रखना है, क्योंकि जितने भी हमारे सेक्शन हैं वो सप्लाई पे उनका उनका वर्क है, जहाँ पे सप्लाई वर्क करेगी, सही सप्लाई जाएगी तो हमारा वो फॉल्ट जो है वो ट्रेस करने में हम जो है वो पहुँच जाएंगे उस फॉल्ट तक। तो आपने कोशिश करना है कि हमारी सप्लाई जो है वो सही हो, हर सेक्शन पे जितने उसको रिक्वायर हों वोल्टेज, वो अगर वोल्टेज वहाँ तक पहुँचे तो फिर जो है हमारा फॉल्ट ट्रेस हो सकता है और हम अपने फॉल्ट को ट्रेस करने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं। तो ये AGC के वोल्टेज भी और उसके बाद VT की, ये सिर्फ़ और सिर्फ VT का नाज़रीन ये फॉल्ट था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जी वीडियो, आज की जी कावच पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काशी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अल्लाह हाफिज़।